लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी जेपी नड्डा, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव मौर्य समेत कोर ग्रुप के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में चुनाव प्रचार समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने 18 और प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट जारी की है। तीसरी लिस्ट में कांग्रेस ने असम की 5, मेघालय की 2, नागालैंड और सिक्किम की 1-1, तेलंगाना की 8 और यूपी की 1 सीट पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में यूपी की बाराबंकी लोकसभा सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया को टिकट दिया गया है। इससे पहले कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 2 सूचियां जारी की थी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज से उत्तराखंड में चुनाव अभियान का आगाज करेंगे। उत्तराखंड की 5 सीटों पर 11 अप्रैल को वोटिंग होनी है। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी की रैली के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा और बीजेपी को चुनाव में मात दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और अपना दल साथ साथ चुनाव लड़ेंगे। अनुप्रिया पटेल की अमित शाह से मुलाकात के बाद 2 सीटों पर सहमति बन गई है। अमित शाह के मुताबिक अपना दल को बीजेपी ने 2 सीटें दी हैं, जिसमें मिर्जापुर सीट से अनुप्रिया पटेल खुद चुनाव लड़ेंगी, तो वहीं दूसरी सीट पर दोनों दल के नेताओं की बैठक हो गई और चर्चा के बाद ही फैसला होगा। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने एक बार फिर वाराणसी से चुनाव लड़ने का दावा किया है। चंद्रशेखर के मुताबिक अगर पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे तो भीम आर्मी उन्हें हराने के लिए पूरी तरह तैयार है। चंद्रशेखर ने एसपी बीएसपी से भी समर्थन मांगा है। एसपी बीएसपी गठबंधन में 3 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले आरएलडी का मकसद बस बीजेपी को चुनाव में हराना है। अजीत सिंह ने कहा है कि उन्हें गठबंधन में कितनी भी सीट मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हर हाल में बीजेपी के विजय रथ को रोकना है। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने मायावती को एक बार फिर गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाया। उमा भारती ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अगर फिर हमला करें तो मायावती उन्हें फोन कर सकती हैं। रामपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल यादव ने किसान सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी मोदी जी के सपनों का प्रदेश बने, इसलिए पहली ही मीटिंग में किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में हिंदू मुस्लिम किसानों में कोई फर्क नहीं है। आगरा में मालवीय कुंज कॉलोनी के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। चुनाव बहिष्कार को लेकर मालवीय कुंज में पोस्टर भी लगाए गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक 70 साल पहले परिवार के बुजुर्ग पाकिस्तान से भारत आए थे और इतने दशक रहने के बाद भी उन्हें अपना घर नसीब नहीं हुआ, जिससे खफा होकर उन्होंने वोट नहीं देने का फैसला लिया है। कौशाम्बी में पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर टिप्पणी करने वाले के मामले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने AIMIM के जिला सचिव अजीम सिद्दीकी के खिलाफ IT एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने आरोप लगाया के मुताबिक जांच के बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं होगा। शिवपाल यादव ने कहा कि 1 महीने से कांग्रेस उन्हें सिर्फ आश्वासन देती रही और जिसके बाद उन्हें बताए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने 2019 के चुनाव का देश में हो रहे आखिरी चुनाव करार दिया। साक्षी महाराज के मुताबिक 2024 में चुनाव नहीं होंगे। उनका कहना है कि मौजूदा चुनाव देश के नाम पर लड़ा जा रहा है, लिहाजा हर किसी को पूरी ताकत के साथ चुनाव में जुटना चाहिए। रामपुर में आजम खान के खिलाफ जांच को लेकर SIT की टीम ने मेरा फिर डेरा डाला दिया है, जिससे आजम खान परेशान हो गए। आजम खान ने कहा कि मेरा अपना घर जो कि सरकारी जमीन पर बना हुआ है, मैं चाहूंगा कि जिला कलेक्टर मेरा घर को आकर गिरा दें। संभल में लोकसभा चुनाव को देखते हुए SP यमुना प्रसाद की अगुवाई में देर रात तक तलाशी अभियान चला गया। पुलिस ने प्राइवेट और रोडवेज बसों को खंगाला और संदिग्ध लोगों की तलाशी ली गई। 11 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर मेरठ मंडल के ADG प्रशांत कुमार ने बागपत पुलिस ऑफिस के अधिकारी की मीटिंग ली, जिसमें जिले के SP, SSP व 5 CO मौजूद रहे। ADG ने पुलिस अधिकारी के चुनाव की तैयारी पुख्ता करने के निर्देश भी दिए।
लोकसभा चुनाव को लेकर भोपाल में सीमावर्ती राज्यों के डीजीपी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह, मध्य प्रदेश के डीजीपी वीके सिंह, राजस्थान के डीजीपी कपिल गर्ग, महाराष्ट्र के एडीजी रजनेश सेठ और वरिष्ठ अफसरों ने चुनाव को लेकर चर्चा की। बागपत में 11 अप्रैल को होने वाले चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की कसरत तेज हो गई। इसके लिए जगह जगह जागरूकता कैंप भी लगाए जा रहे हैं। इस कड़ी में डीएम ने एक कार्यशाला आयोजित कर छात्र छात्राओं को मतदान का महत्व समझाया और सभी मतदाताओं से वोटिंग करने की अपील की। आगरा के शंकर बजरिया में एफएसडीए और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में नकली फॉर्च्यून रिफाइंड का जखीरा बरामद हुआ है। टीम ने मौके से करीब 400 से ज्यादा नकली रिफाइंड के टीन बरामद किए हैं। पकड़े गए रिफाइंड के टीन की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। चंदौली में आक्रोशित बुजुर्ग दंपति ने होलिका में आग लगा दी। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया, तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाया और जाम को खुलवाया। वहीं दंपति ने गांव के युवकों पर झोंपड़ी और उपले को होलिका में डालने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया है। अमेठी में भोपाल से प्रतापगढ़ जाने वाली भोपाल एक्सप्रेस के पहिए से अचानक धुआं उठने लगा, जिसकी वजह से यात्रियों में हड़कंप मच गया। इसके बाद पायलट ने ट्रेन को रोककर पहिए को सही किया। कानपुर में सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कुछ लोगों ने झूठा प्रचार करके लाखों रुपए के फर्जी फॉर्म बेच डाले। फर्जी फॉर्म में लोगों को योजना के तहत 2-2 लाख रुपए देने की बात कही गई, जिसके चक्कर में बड़ी संख्या में लोग आ गए और फॉर्म खरीदकर उसे भरकर डाक के जरिए बताए पति पर भेजने लगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए हमीरपुर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत पूरे शहर में फ्लैग मार्च करते हुए मतदाता जागरूक किया गया। साथ ही चुनाव के दौरान पड़ने वाले त्योहारों में भी आपसी भाईचारा बनाते हुए त्योहार मनाने की अपील की। कानपुर के बहुचर्चित किडनी कांड में पुलिस ने लखनऊ निवासी एक शख्स को गिरफ्तार किया है। लखनऊ के चौक निवासी राजा उर्फ मोहम्मद उमर को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि मोहम्मद उमर पिछले 5 सालों से किडनी रैकेट से जुड़ा हुआ था और घटना के बाद से फरार था। फतेहपुर की जिला अदालत ने हत्या के मामले में 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। चारों लोगों को 2017 में गुनीर गांव में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। चारों दोषियों पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बुलंदशहर के ललितपुर में सिंचाई विभाग के जेई पर मायावती के लिए जबरन वोट मांगने का आरोप लगाया। पीड़ितों के मुताबिक माता टीला बांध कॉलोनी के इंचार्ज और सिंचाई विभाग में जेई बलराम सिंह डीएसपी के लिए धमकी देकर वोट मांग रहे हैं। लखनऊ में गोमती नगर में युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। यहां पर टेम्पो चालक पर चलते ऑटो में युवती से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। युवती घटना का विरोध करते हुए चलते ऑटो से ही कूद गई, इससे उसके सिर में चोट आ गई। लखनऊ पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह को चेकिंग के दौरान गोमती नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया। गिरोह के कब्जे से चोरी की 5 बाइकें बरामद की गई हैं। प्रयागराज के झूंसी इलाके में बेखौफ बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। लोगों ने प्रॉपर्टी डीलर को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। शुरुआती जांच में पुलिस प्रॉपर्टी विवाद में हत्या की आशंका जता रही है। झांसी में बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। छात्रा का शव तालाब से बरामद किया गया। शुरुआती जांच में पुलिस ने खुदकुशी की आशंका जताई है। फरुखाबाद में बीएसपी के छात्र की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। छात्र का शव आजाद नगर में एक कमरे में फांसी के फंदे पर झूलता मिला। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने इसे खुदकुशी करार देकर मृतक छात्र कानपुर का रहने वाला था। ललितपुर में स्वाट टीम और पुलिस ने वाहन चोरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक नाबालिग भी शामिल है। आरोपियों के पास से चोरी की 6 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस पर फर्जी मामले में गिरफ्तारी करने का आरोप लगाया है। जौनपुर में लोक निर्माण विभाग में तैनात जेई को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से पुलिस ने छुड़ा लिया। बताया जा रहा कि नौकरी दिलाने के नाम पर जेई ने एक शख्स से 18 लाख रुपए नौकरी के लिए थे। नौकरी नहीं मिलने पर पैसा हड़पने को लेकर आरोपियों ने जेई का अपहरण कर लिया।
बरेली पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का खुलासा करते हुए 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। शातिर बदमाशों के पास से 8 बाइक, 2 अवैध तमंचे और 4 कारतूस बरामद हुए हैं। कानपुर में 20 सड़क छात्रों की दबंगई देखने को मिली, जहां छात्रों ने एक गुट के दूसरे गुट के छात्र की जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान राहगीर मूक दर्शक बने रहे, वहीं कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बनाते रहे। लखीमपुर खीरी में पीलीभीत बस्ती हाईवे पर परिजनों ने शव रखकर जाम लगा दिया, साथ ही पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान भीषण जाम में एम्बुलेंस भी फंसी रही। घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या की जगह गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है। सीतापुर में एक युवक को घर में घुसकर रेप करने की कोशिश उस समय भारी पड़ गई जब युवती ने आरोपी की चप्पलों से पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। अमरोहा में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर नेशनल हाईवे 24 पर हंगामा किया, साथ ही जोया पुलिस चौकी में जमकर उत्पात भी मचाया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी में रखी सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। बिजनौर में बकाया गन्ना भुगतान समेत कई मांगों को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद आचार संहिता लागू होने की वजह से किसानों को प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर में नहीं जाने दिया, जिसके बाद किसान प्रदर्शनी मैदान में धरने पर बैठ गए और जल्द मांग पूरी न होने पर किसानों ने बड़े आंदोलन करने की चेतावनी दी है। झांसी में लोकसभा चुनाव और होली के त्यौहार को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। होली में विवाद न हो, आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसको लेकर झांसी के शहर कोतवाली के पीस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में सभी लोगों से सहयोग की अपील की गई है। हापुड़ में कंदौला गांव के पास तेज रफ्तार कार नाले में गिर गई। हादसे में 11 लोग घायल हो गए, सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया है। 4 लोगों को गंभीर चोट लगी है। उत्तराखंड में बीजेपी सांसद बीसी खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी के कांग्रेस में जाने की अटकलें तेज हैं। दावा किया जा रहा है कि 16 मार्च को देहरादून में होने वाली राहुल गांधी की रैली के दौरान मनीष खंडूरी के कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, हालांकि बीजेपी नेता इससे इनकार कर रहे हैं। होली से पहले हरिद्वार में आबकारी विभाग जगह जगह छापेमारी कर रहा है। पुलिस का दावा है कि रुड़की शराब कांड के बाद पूरे जिले में अवैध शराब पर नकेल कसने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, जिसके तहत अब तक 200 से ज्यादा के केस दर्ज किए जा चुके हैं। चंपावत में 11 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वोटिंग के दौरान कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए चंपावत जिले में नोडल सेक्टर पीठासीन अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है। जिन लोगों की चुनाव में ड्यूटी लगनी है उन्हें ईवीएम और वीवीपैट की बारीकियां भी बताई गई हैं। जैश के खिलाफ भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। आतंकी मसूद अजहर की सभी संपत्तियों को फ्रांस जब्त करेगा। वहीं यूरोपियन यूनियन के आतंकियों की लिस्ट में मसूद अजहर का नाम जुड़वाने की तैयारी में भी फ्रांस जुटा हुआ है। विदेश नीति पर सवाल उठाने वालों को सुषमा स्वराज का जवाब। 2009 में भारत मसूद पर बैन का प्रस्ताव देने वाला अकेला देश था। 2019 में इस प्रस्ताव को ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने भी पेश किया। आतंकवाद के मसले पर अमित शाह ने कांग्रेस से सवाल पूछा कि शाह ने ब्लॉग में लिखा कि 2010 में कांग्रेस की सरकार ने क्यों छोड़े थे 25 आतंकी। अमित शाह ने कहा कि कंधार पर सवाल उठाकर राहुल गांधी ने दिया असंवेदनशीलता का परिचय। बयान देने से पहले कांग्रेस का इतिहास देखना चाहिए। म्यांमार में आतंकियों के खिलाफ भारत का बड़ा ऑपरेशन। रोहिंगा अराकान और नागा आतंकी ग्रुप के कैंप किए तबाह। म्यांमार की आर्मी के साथ भारतीय सेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया। कोलकाता से मिजोरम तक कई प्रोजेक्ट पर हमले की साजिश कर रहे थे आतंकी ग्रुप। म्यांमार की आर्मी के साथ भारतीय सेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया। कोलकाता से मिजोरम तक कई प्रोजेक्ट पर हमले की साजिश कर रहे थे ये आतंकी ग्रुप। मिजोरम सीमा पर 17 फरवरी से 2 मार्च तक चलाया गया पूरा ऑपरेशन। 2 हिस्सों में चलाया गया ऑपरेशन। न्यूजीलैंड में 2 मस्जिदों में हुए नरसंहार के पीछे की कहानी साफ है। नफरत और बदला लेने के लिए 49 लोगों की हत्या की गई। हमलावर ने हमले से पहले अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया था दस्तावेज
दो मस्जिदों पर हमले का इरादा जाहिर भी किया था। आतंकी हमले की सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग की गई, करीब 17 मिनट के वीडियो को फेसबुक से हटाया गया। पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी, इस मुश्किल की घड़ी में भारत न्यूजीलैंड के साथ है। पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लेकर कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में भारत न्यूजीलैंड के साथ है, क्योंकि हम भी आतंकवाद का दंश झेल रहे हैं, इसलिए इस घड़ी में उनके साथ है। इमरान खान का बिलावल भुट्टू पर कमेंट, कहा मोदी से बात कर सकता हूं लेकिन करप्ट माफिया जो पाकिस्तान में उनसे नहीं। इमरान खान की दोहरी नीति पर फिर आई सामने, भारत से कहा वॉर नहीं व्यापार करो। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी जेपी नड्डा, महेंद्रनाथ पांडे, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव मौर्य समेत कोर ग्रुप के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में चुनाव प्रचार समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। यूपी पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर टिप्पणी करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने AIMIM के जिला सचिव अजीम सिद्दीकी के खिलाफ IT एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने आरोप की जांच के बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव में काले धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए चुनाव आयोग और आयकर विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। आयकर विभाग ने स्पेशल सेल बनाया है। इसके अलावा एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जो चुनाव खत्म होने तक हर दिन 24 घंटे खुला रहेगा। आम लोग भी काले धन के दुरुपयोग संबंधी जानकारी दे सकेंगे। ईवीएम के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 21 विपक्षी दलों की संयुक्त याचिका पर कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी अदालत में पेश होंगे।